बहुरूप योगिनी हिंदू धर्म में 64 योगिनों में से एक है और उनका नाम ही उनकी विशेषता को दर्शाता है। बहुरूप शब्द से मुराद है अनेक रूपों वाली और ये योगिनी वास्तव में अनेक रूपों में दिखाई देती है। उन्हें हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है। वह श्री माया और चंडिका के नाम से भी जानी जाती है। बहुरूप योगिनी की पूजा मुक्ति प्राप्ति और सभी प्रकार के भयों को दूर करने के लिए की जाती है। उनका मृत शरीर पर खड़ा होना संकेतिक है, जो एक व्यक्ति के अहंकार और अज्ञान पर खड़े होने का प्रतीक है। शव साधना या मृत शरीर पर ध्यान लगाना एक बहुत ही कठिन अनुष्ठान है और ये भौतिक जगत में वैराग्य और पूर्णता के साथ मिलन का संकेत है। बहुरूप योगिनी के साथ जुड़ा मंत्र है ओम ह्रीम। उन्हें श्वेत रंग के फूल और भोग चढ़ाए जाते हैं। उनकी पूजा का आदर्श दिन शुक्रवार या मंगलवार है। बहुरूप योगिनी का आत्मिक महत्व उनकी शक्ति में है, जो व्यक्ति को उनके आत्मिक पथ पर मार्गदर्शन करती है। उनकी शक्ति आपको अंदर के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता देती है। अगर आप इस अद्वितीय और शक्तिशाली योगिनी के गुणों और आत्मिक महत्व से प्रभावित हैं, तो आपको उनसे जुड़कर अपनी आत्मिक जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, एक साधक बाहर की पूजा और क्रियाकलापों से ज्यादा देवी को प्रेम और श्रद्धा से अपने भीतर जगाता है, जिसके कारण उसके जीवन में देवी की कृपा होती है। प्रणाम।